डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, खबरों में सुपर टाइफून हिनमनोर। 2022 का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान हिनमनोर पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ रहा है। इस बिंदु पर दर्ज की गई अधिकतम हवा की गति के आधार पर माना जा रहा है कि ये इस वर्ष का सबसे शक्तिशाली तूफान होगा। तूफान वर्तमान में ओकिनावा के पूर्व में कई सौ किलोमीटर दूर है। इस सप्ताह के अंत में इसके जापानी द्वीपों से गुजरने का अनुमान है। हालांकि ताइवान या चीन का पूर्वी तट केवल मामूली जोखिम पर है। इसके कारण पूरे सप्ताह उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक तूफान ओकिनावा के दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, फिर उत्तर की ओर और सप्ताहांत में द्वीप की ओर बढ़ेगा। अनुमानों से संकेत मिलता है कि तूफान अगले सप्ताह कोरियाई प्रायद्वीप की ओर उत्तर की तरफ जारी रहेगा। ये ताइवान और चीन के तट को बाईपास करेगा। हालांकि आने वाले दिनों में इसकी प्रबलता में कुछ कमी आएगी। गौरतलब है कि सुपर टाइफून हिनमनोर 29 अगस्त 2022 को एक तूफान के रूप में विकसित हुआ। ये लगभग 241 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर हवा की गति उत्पन्न कर रहा है।